हेलो, वेलकम टू निर्मला अकाउंटेंसी क्लासेस। मेरा नाम मिथिलेश सिंह है। आज हम लोग देखेंगे कि बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर किया जाता है। हम लोगों ने ये देख दो चीज़ें देख ली है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाया जाता है। आज हम देखेंगे कि बैलेंस शीट कैसे बनाया जाता है। बैलेंस शीट को हम लोग स्टेटमेंट ऑफ फिनेंशियल पोजिशन भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं। ये एक अकाउंट नहीं है, ये एक स्टेटमेंट है। तो हम लोग बैलेंस शीट ऊपर लिखते हैं एज ऑन या एज एट, दोनों में से कोई एक चीज़ लिखते हैं। ये किसी खास दिन को बनाया जाता है, जो अक्सर ईयर एंड होता है, तो वो ईयर एंड का दिन लिखा रहता है। वो कैसे क्वेश्चन बनाएंगे तब हम लोग देखेंगे कैसे लिखते हैं। इसमें भी चार कॉलम होते हैं। लायबिलिटीज का कॉलम होता है, जो बड़ा सा अमाउंट का कॉलम होता है, फिर एसेट्स का कॉलम होता है और अमाउंट का कॉलम होता है। बैलेंस शीट की इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या क्या हैं, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं। इट इज ए स्टेटमेंट, ये एक स्टेटमेंट है। इट इंक्लूड्स ओनली एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। हम लोग ने जो मॉडर्न रूल ऑफ अकाउंटिंग पढ़ाया और अकाउंट्स ऑफ क्लासिफिकेशन किया है, उसमें पांच चीज़ें हम लोगों ने देखी है। दैट इज कैपिटल, लायबिलिटीज, एसेट्स, इनकम रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस, या रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। ये पांच चीज़ें हम लोगों ने देखी है। तो इनमें से सिर्फ तीन चीज़ें कैपिटल, लायबिलिटी, बैलेंस शीट में रेवेन्यूज और एक्सपेंसेस को छोड़ करके, या इनकम एंड एक्सपेंसेस को छोड़ करके, बाकी सारी तीनों चीज़ें, दैट इज एसेट्स को भी इसी में लिखते हैं, लायबिलिटीज को भी इसी में लिखते हैं, और कैपिटल को भी इसी में बैलेंस शीट में ही लिखते हैं। कैपिटल और लायबिलिटीज को लायबिलिटीज साइड में लिखा जाता है और एसेट्स को एसेट साइड में लिखा जाता है, चाहे वो किसी तरह का एसेट हो, फिक्स एसेट हो, दैट फिक्सिशियस एसेट हो, दैट और दूसरे तरह के जो एसेट्स हैं, करेंट एसेट्स हो, नॉन करेंट एसेट्स हो, वो सारे के सारे एसेट्स लिखे जाते हैं। उसी तरह लायबिलिटी साइड में भी, दैट करंट लायबिलिटी हो, नॉन करंट लायबिलिटी हो, और कैपिटल हो, वो लिखा जाता है। ठीक है, अब हम लोग ये इट इंक्लूड्स ओनली एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। इसमें एक्सपेंसेस और इनकम की लेखा बैलेंस शीट में कभी भी नहीं की जा सकती है। उसी तरह ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एसेट्स की, लायबिलिटीज की और कैपिटल की का लेखा कभी भी नहीं किया जाता है। इट इज प्रिपेयर टू मेजर दी एग्जैक्ट फिनेंशियल पोजीशन ऑफ ए बिजनेस। किसी फिनेंशियल, जैसे बिजनेस का फिनेंशियल पोजीशन क्या है, एसेट्स क्या है, टोटल एसेट्स क्या है, उसका नेचर क्या है। नेचर मतलब फिक्स एसेट है, फिक्सिशियस एसेट है, या दैट करंट एसेट है, टेंजिबल है, इनटेंजिबल है, किस तरह का है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। उसी तरह लायबिलिटीज में भी करंट लायबिलिटी है, दैट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी है, या नॉन करंट लायबिलिटी है, कैपिटल है तो कितना है, कैपिटल भी है तो किस तरह का है, तो उसमें मूल कैपिटल है कितना भाग है उसमें, दैट प्रॉफिट कितना मिला हुआ है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती हैं। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन ए सर्टेन डेट, एक खास दिन को बनाया जाता है। द टोटल ऑफ बोथ साइड्स ऑफ बैलेंस शीट इज ऑलवेज इक्वल। डेबिट्स जो अमाउंट होता है, लायबिलिटीज साइड का जो टोटल होता है, वो एसेट साइड के टोटल से बराबर होता है। इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग के जितने कॉन्सेप्ट और प्रिंसिपल्स हम लोगों ने पढ़ा है पहले, एग्जम्पशंस वगैरह जो हम लोगों ने बात की है, तो वो सारे के सारे को ध्यान में रखकर इसको बनाया जाता है, बैलेंस शीट को, या दैट इसको स्टेटमेंट ऑफ फिनेंशियल पोजीशन भी कहते हैं, बनाया जाता है। अब इसके कौन कौन से ओवरड्राफ्ट बैंक ओवर आइटम्स हैं, उसको हम बात कर लेते हैं, और कुछ और चीज़ें हैं उसकी बात हम लोग करेंगे आगे बैलेंस शीट के बारे में। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है? बैंक ओवरड्राफ्ट बैंक से जितने जितना पैसा जमा है उससे अगर आपने अधिक ले लिया है तो वो पैसा है,
निकाल दिया है, यूज़ कर लिया है बैंक के परमिशन के अंतर्गत, तो वो बैंक ओवरड्राफ्ट है, ये हमारे लिए एक लायबिलिटी होता है, बिल्स पेबल। उसी तरह जो हम बिल एक्सेप्ट करते हैं और उसका पेमेंट हमको एक निश्चित दिन को देना होता है, तो वो भी एक हमारे लिए लायबिलिटी है, उसको लिखते हैं सिंडिकेटर्स। जब उधार माल खरीदते हैं उसका पैसा हमको देना होता है, तो जितने उधार माल के लिए ईयर एंड में हमारा बकाया है किसी खास दिन, वो हम लिखते हैं। उसी तरह बिल्स पेबल का भी ईयर एंड का जो अमाउंट होता है वो लिखते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस ऐसे जो हमारे पिछले साल के थे, हो गए हैं, लाभ हमने ले लिया है लेकिन पैसा नहीं दिया, उसको लिखते हैं। अनअर्न्ड इनकम, उसी तरह ऐसे इनकम जिसको हम लोगों ने अर्न तो कर लिया है लेकिन पैसा नहीं मिला, अनअर्न्ड इनकम, ऐसे इनकम जिसको हम लोगों ने अर्न कर लिया, सॉरी अनअर्न्ड इनकम, हम लोगों ने अर्न नहीं किया है, किसी दूसरे व्यक्ति ने, सॉरी, ऐसा इनकम जिसको हम लोगों ने हम लोगों को जो मिल गया है, इनकम आ गया है, हमारे पास पैसा आ गया है लेकिन हमने काम नहीं किया, हमने काम नहीं किया, उसको कहते हैं अनअर्न्ड इनकम। जैसे अब दैट सेल्स, सेल्स एडवांस हमने ले लिया है, पैसा हमने ले लिया है, सेल्स अगले फिनेंशियल ईयर में करेंगे, बैलेंस शीट बनाने के बाद करेंगे, तो ऐसी स्थिति में हमारे लिए अनअर्न्ड इनकम हो जाएगा, एडवांस में हमको मिल गया है पैसा, तो अनअर्न्ड इनकम हो जाएगा। उसी तरह कुछ और आइटम है, अगर हमने एडवांस में कुछ पैसे किसी भी क्रम में, जैसे रेंट ले लिया है 10 महीने का, एक्चुअली इस साल में हमने 12 महीने का रेंट लिया है, इस साल का 3 महीने का है और अगले साल का 9 महीने का, तो 9 मंथ का जो इनकम होगा वो हमारे लिए अनअर्न्ड इनकम होगा। तो इस तरह के आइटम भी इसमें आते हैं, चूँकि ये हमारे लायबिलिटी हैं, जब तक वो 12 महीने तक रह नहीं लेगा, जब तक वो समय नहीं ख़त्म हो जाएगा तब तक तो वो हमारे लिए अनअर्न्ड इनकम है। लॉन्ग टर्म लोन, उसी तरह लॉन्ग टर्म जो लोन है वो हमारे लिए लायबिलिटी है, इसको भी लिखते हैं। फिर कैपिटल लिखते हैं, कैपिटल भी हमारे लिए एक लायबिलिटी होती है, हमारे लिए नहीं बल्कि बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी होती है, और हम बिजनेस के अकाउंटेंट हैं तो वो कैपिटल को भी लायबिलिटी में लिखते हैं। नेट प्रॉफिट अगर होता है तो कैपिटल में हम लोग प्लस कर देते हैं। ड्रॉइंग्स जो होता है, ड्रॉइंग्स मतलब जो बिजनेसमैन अपने पर्सनल यूज के लिए चीज़ें निकालता है या पैसा निकालता है या उसके बिहाफ में, पर्सनल बिहाफ में कोई पैसा पेमेंट किया जाता है बिजनेस के द्वारा, तो वो ड्रॉइंग्स में इंक्लूड होते हैं। उसी तरह अगर नेट लॉस होता है तो भी तो कैपिटल से ही घटेगा, इसलिए उसको भी घटाया जाता है, ड्रॉइंग को भी घटाया जाता है। क्यों घटेगा? इसलिए कि अगर मुनाफा बिजनेस मैन का होगा तो लॉस भी बिजनेस मैन का होगा, तो ये नेट लॉस को घटाया जाता है। ये तो होगी लायबिलिटी साइड की कुछ चीज़ें, इसके अतिरिक्त भी कुछ चीज़ें हो सकती हैं, जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे वो हम लोग सीखते जाएंगे। उसके बाद एसेट साइड में हम लोग आते हैं। एसेट साइड में कैश इन हैंड होता है, जो हमारे पास कैश रह गया है किसी खास दिन को, बैंक में जो हमारा पैसा रह गया ये हमारा एसेट है। बिल्स रिसीवेबल, बिल्स अगर किसी ने, मैंने हमने लिखा है, ड्रॉ किया और किसी दूसरे ने एक्सेप्ट किया है, तो हमारे लिए एक एसेट हो जाता है। उसी तरह कहीं शॉर्ट टर्म के लिए हमने इन्वेस्ट किया है तो वो भी हमारे लिए एसेट है। सिंडिकेटर्स जिसको हमने उधार माल दिया है, बिजनेस ने उधार माल दिया है, वो भी हमारे लिए एक एसेट होता है। क्लोजिंग स्टॉक, बिजनेस का जो क्लोजिंग स्टॉक ईयर एंड में है वो उसका एक एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम हमने जनवरी में पेमेंट किया है, 31 मार्च को हम बैलेंस शीट बना रहे हैं और 1 ईयर के लिए किया है, तो 9 मंथ का जो एक्सपेंसेज है वो तो हमने प्रीपेड किया है, वो हमारा अगले 9 मंथ में एडजस्ट होगा, तो वो हमारे लिए प्रीपेड एक्सपेंसेज, 9 मंथ का जो एक्सपेंसेज हो जाएगा वो प्रीपेड एक्सपेंसेज होता है। उसी तरह एक्रूड इनकम, कुछ ऐसे इनकम है जो हमने अर्न कर लिया है लेकिन वो पैसा हमको नहीं मिला है, जैसे हमने फिक्स डिपॉजिट किया है 1 जनवरी को और वो 31 दिसंबर को मैच्योर करेगा, 31 दिसंबर को अगर 31 मार्च को अगर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं तो 3 मंथ्स का इस साल का इनकम हो गया और बाकी ना जो इनकम हुआ दैट एक्रूड सॉरी जो 9 मंथ्स का इनकम हो गया वो तो हमारे इस फिनेंशियल ईयर का इनकम है, तो इनकम अगर हमको मिला नहीं है अभी तक तो
अगर इनकम हमने अर्न कर लिया है, कस्टम मैकेनिक का मतलब हमने कहीं फिक्स डिपोजिट किया है, हमारा इंटरेस्ट अर्न हो गया है, लेकिन इंटरेस्ट का पैसा अभी हमको नहीं मिला है अभी तक, तो उसको हम क्या कहेंगे, अक्रूड इनकम। हमने जब कोई सर्विस प्रोवाइड कर दिया है, उसका पैसा हमको नहीं मिला है, तो हमारा क्या हो गया, अक्रूड इनकम। काम तो हमने कर दिया है लेकिन पैसा नहीं मिला है, तो वो हमारा अक्रूड इनकम है। अक्रूड इनकम है मतलब वो पैसा हमको कल मिला है, अब काम करना करने की ज़रूरत नहीं है, हमने उसके बदले पहले ही काम कर दिया। उसी तरह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, जो लंबे समय के इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सर, बिजनेस में जो फर्नीचर और फिक्सर रखे जाते हैं बैठने के लिए या और तरह की सुविधाओं के लिए, मोटर व्हीकल्स, बिजनेस के पास अगर मोटर व्हीकल्स हैं एम्प्लॉइज के लिए या ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उसका भी हम लोग डेट ये एक एसेट होता है तो लिखते हैं। प्लांट एंड मशीनरी बिजनेस का एक एसेट होता है लिखते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग्स बिजनेस का एसेट होता है लिखते हैं। अगर बिजनेस के पास कोई पेटेंट्स है, कॉपीराइट है, वो भी इसमें आता है। गुडविल बिजनेस का है तो वो भी आता है। फिक्सिशियस एसेट्स ऐसे एसेट्स हैं जो जिसके फायदे लंबे समय तक मिलने हैं, उनको धीरे धीरे राइट ऑफ करने का प्रावधान है। तो जितना बचा हुआ भाग है वो जब तक पूरी तरह राइट ऑफ नहीं हो जाता तब तक बैलेंस शीट में दिखाया जाता है। तो ये सारे आइटम हम बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिखते हैं, लायबिलिटी में हम लोगों ने बात की, कुछ चीज़ें लिखते हैं। अब हम लोग बात कर रहे हैं डिफरेंट आइटम्स की, जो हम लोगों ने अभी चर्चा की। सबसे पहले तो हम लोगों ने चर्चा की थी दैट ड्राइंग की, ये ड्राइंग की चर्चा हम लोगों ने की थी। वन नंबर दिया था तो यहाँ नंबर के हिसाब से वन नंबर हम लोग देख लेते हैं। यह ड्राइंग है, इट इंक्लूड्स विड्रॉल ऑफ कैश और गुड्स फ्रॉम दी बिजनेस। बिजनेस से अगर ऑनर गुड्स या कैश निकालता है तो इसको इसमें रखा जाता है बाय दी ऑनर, एंड पेमेंट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम और इनकम टैक्स ऑफ दी ऑनर बाय दी बिजनेस। अगर बिजनेस बिजनेसमैन का इंश्योरेंस प्रीमियम, उसके लाइफ इंश्योरेंस का, लाइफ पर जो इंश्योरेंस है उसका प्रीमियम पेमेंट करता है, या उसको जो इनकम टैक्स देना है उसका पैसा बिजनेस अगर पेमेंट करता है ऑन बिहाफ ऑफ दैट ऑनर, तो उसको बिहाफ ऑफ ट्रंक्स में इंक्लूड करते हैं। एक लाइबिलिटी होती है कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी, इसको बैलेंस शीट के मुख्य भाग में इंक्लूड नहीं करते हैं, लेकिन इसको हम लोग फुट नोट में बैलेंस शीट के नीचे दिखाते हैं। लाइबिलिटी हैपनिंग ऑफ विच इज अनसर्टेन आर कॉल्ड कंटिंजेंट लाइबिलिटी। ऐसी लाइबिलिटी जिसका होना निश्चित नहीं होता है ना, अनसर्टेन होता है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, उसको हम लोग कंटिंजेंट लाइबिलिटी कहते हैं। दे आर नेवर शोन इनसाइड द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट में इनको नहीं दिखाया जाता है। दीज आर सोन बिलो द बैलेंस शीट, लेकिन बैलेंस शीट के नीचे इसको जरूर दिखाया जाता है, इन द फॉर्म ऑफ फुटनोट्स, फुटनोट्स के रूप में, इन द फॉर्म ऑफ फुटनोट्स के रूप में दिखाया जाता है। ये कौन कौन हो सकते हैं, जैसे बिल्स डिस्काउंटेड नॉट एट मैच्योर, हमने बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंट करवा लिया है और अभी मैच्योर नहीं हुआ, तो हो सकता है अगर जो हमारा डेटर है वो अगर पैसा पेमेंट नहीं करता है तो बैंक या जिस संस्था से हमने बिल डिस्काउंट किया है वो तो हमसे लेगा, तो उसको फुटनोट के रूप में दिखाते हैं। केसेज ऑफ बोनस, अगर किसी एम्प्लॉय ने बोनस के लिए केस किया है कंपनी पर या फॉर्म पर, पेंडिंग है कोर्ट में, तो अगर कोर्ट का डिसीजन उस एम्प्लॉय के फेवर में आता है तो वो हमको देना पड़ेगा, तो उतने अमाउंट को भी दिखाते हैं। उसी तरह कोई कॉम्पनसेशन का केस है और आर्बिट्रेशन में है, मतलब उस पर बातचीत चल रही है, समझौता हो रहा है कितना कंपनसेशन देना चाहिए, तो उसको भी हमको फुटनोट में दिखाना पड़ता है, हालांकि मेन बैलेंस शीट में इसको नहीं दिखाते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ चीज़ें हैं जिनको हम लोग याद रखनी चाहिए बैलेंस शीट बनाते के समय, ध्यान रखना चाहिए। आइटम्स शोन इन द ट्रायल बैलेंस आर शोन ओनली इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आइदर इन ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट।
अक्सर हाँ जब हमको फाइनल अकाउंट बनाने के लिए कहा दिया जाता है या दैट बैलेंस बनाने के लिए दिया जाता है तो हमको ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट में भी क्वेश्चन दिया रहता है। तो ट्रायल बैलेंस के अंदर जितने भी आइटम होते हैं उनको एक ही जगह लिखते हैं, या तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं या बैलेंस शीट में लिखते हैं। अब दूसरी चीज, आइटम्स आउटसाइड द ट्रायल बैलेंस आर शोन एट टू प्लेसेज, वंस इन ट्रेडिंग अकाउंट एंड वंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और वंस इन ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट एंड वंस इन बैलेंस शीट। एडजस्टमेंट में जो चीज़ें दी जाती है मतलब ट्रायल बैलेंस के बाहर, जैसे क्लोजिंग स्टॉक अक्सर अगर विदाउट एडजस्टमेंट भी हम एंट्री कर रहे हैं तब भी क्लोजिंग स्टॉक को ट्रायल बैलेंस के बाहर दिखाया जाता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन के रूप में, उसको ट्रायल बैलेंस के अंदर नहीं दिखाया जाता है। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हम ऐसी स्थिति में उसका जो भी एडजस्टमेंट की इंट्री होगा, कोई जो भी एडजस्टमेंट आएगा, कोई भी ट्रांजेक्शन आएगा बिजनेस में, वो पहले उसका जर्नल बनेगा। तो जर्नल बनाने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन जर्नलाइजेशन के थ्रू ही बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आता है, अकाउंट्स में आता है, फिर फाइनल अकाउंट बना जाता है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आता है, बैलेंस शीट में आता है। ठीक है, तो जो एडजस्टमेंट में इंट्री है, मुख्य रूप से ये सीखें अभी कि एडजस्टमेंट में जो इंट्री है उसकी दो जगह लिखा की जाती है, या तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा जाता है एक बार, और दूसरी बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखा जाता है, या एक बार वो प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किसी में लिखा जा सकता है, और दूसरी बार बैलेंस शीट में लिखा जा सकता है। ठीक है, या ये दो तरह से इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जो हम लोगों को याद रखनी चाहिए। मतलब कुछ आइटम ऐसे होते हैं जिनको ट्रेडिंग और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में लिखा जाता है, कुछ आइटम ऐसे होते हैं एडजस्टमेंट के जिनको हम या तो ट्रेडिंग अकाउंट में लिखते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक बार, और दूसरी बार उसको जब लिखते हैं वो बैलेंस शीट में ही लिखते हैं। आइटम कंसर्निंग एक्सपेंशन रेवेन्यूज अकाउंट्स आर आइदर शोन इन द ट्रेडिंग अकाउंट और इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, एक्सपेंसेस आर शोन ऑन द डेबिट साइड एंड इनकम्स आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड। एक्सपेंसेस और रेवेन्यूज अकाउंट से संबंधित जितने भी अकाउंट होते हैं उनके बैलेंसेस को या तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाते हैं या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। एक्सपेंसेस को हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के या प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाते हैं, और इनकम को हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट एंड या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में दिखाते हैं। आइटम्स पर्टेनिंग टू एसेट्स अकाउंट आर शोन ऑन द एसेट साइड एंड आइटम्स रिलेटेड टू कैपिटल एंड लाइबिलिटीज अकाउंट्स आर शोन ऑन द लाइबिलिटीज साइड ऑफ द बैलेंस शीट। ठीक है, एसेट्स के जो आइटम है उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाया जाता है, और लाइबिलिटीज और कैपिटल के जो आइटम है उसको बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज साइड में दिखाया जाता है। इसके अतिरिक्त एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। एसेट्स और लाइबिलिटी को बैलेंस शीट बनाने के लिए एक खास क्रम में लिखा जाता है, इसी को कहते हैं मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। एस है एक खास क्रम का मतलब एक और निश्चित ऑर्डर में लिखा जाता है। ये ऑर्डर दो तरह का होता है, एक ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और दूसरा इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस। ठीक है, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी में जब हम एसेट्स को लिखते हैं तो ऐसे एसेट को सबसे पहले लिखते हैं जो मोस्ट लिक्विड हो, जिसको रेडिली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, या जो कैश है मतलब कैश इन हैंड को लिखते हैं, फिर कैश इन बैंक को लिखते हैं, फिर अदर जो आइटम आते हैं जिसको जल्दी से कैश में बदला जा सकता है जल्दी से जल्दी उसको पहले, और इसी क्रम से जो उससे देरी से बदला जा सकता है, फिर उससे देरी से बदला जा सकता है, फिर उससे देरी
उसी तरह लायबिलिटीज में जब लिखते हैं इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी के हिसाब से लायबिलिटीज साइड का लिखते हैं, तो सबसे पहले पेमेंट करना होता है उसको सबसे पहले लिखते हैं, और जिसको सबसे बाद में पेमेंट करना होता है उसको सबसे बाद में लिखते हैं। दूसरा जो ऑर्डर है इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस जो होता है उसमें सबसे लास्ट में जो सबसे लिस्ट लिस्ट लिक्विड जो एसेट है, मतलब जिसको बेचने में सबसे अधिक कठिनाई होगी वैसे एसेट को सबसे पहले लिखते हैं, और जिस एसेट को बेचने में आसानी होगी या जो रेडी कैश है उसको सबसे लास्ट में लिखते हैं। उसी तरह लिक्विडिटी लायबिलिटी साइड में जो सबसे जिसका पेमेंट जिस लायबिलिटी का लास्ट में करना है उसको सबसे पहले लिखते हैं, और जिसका पेमेंट सबसे पहले करना है उसको सबसे लास्ट में लिखते हैं। बीच में इसी क्रम के अनुसार उससे कम जो लायबिलिटी है कम अवधि के बाद उसे अधिक तो उससे अधिक अवधि के बाद पेमेंट करने वाली लायबिलिटी उसको लिखते हैं। उसको हम लोगों ने यहाँ लिखा है एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर अरेंज इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर इन द बैलेंस शीट, देयर आर टू ऑर्डर्स। उसी को एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर अरेंज इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर इन बैलेंस शीट विच इज कॉल्ड मार्शलिंग ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज या मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट। इसको दो ऑर्डर में लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और दूसरा है ऑर्डर ऑफ परमानेंस। ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी क्या है? इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी एसेट्स विच आर रेडिली कन्वर्टेड आर सोन फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू कैश आर सोन फर्स्ट। सिमिलरली लायबिलिटीज liabilities which are to be paid first are recorded first and so on. In order of permanence, assets which are difficult to convert into cash are shown first. Similarly, liabilities which are payable in the end are shown first and so on. इस तरह तो हम लोगों ने समझ लिया कि ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी और ऑर्डर ऑफ परमानेंस क्या है। सोन फर्स्ट एंड सोन भी यहां छूटा हुआ एंड सो ऑन, ठीक है। अब हम लोग एक बैलेंस शीट जल्दी से बना लेते हैं, क्वेश्चन ले लेते हैं और बैलेंस शीट जल्दी से बना लेते हैं। From the following information, prepare balance sheet of Raja as on 31st March 2020. हम लोग को बैलेंस शीट बनाना है और लिक्विडिटी के, और अच्छा एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट, जो इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी है और इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस है, इसमें जब हम सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का बैलेंस शीट बनाते हैं तो अभी हम लोग जो सीख रहे हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप का ही बिजनेस बैलेंस शीट बनाना सीख रहे हैं, तो उसमें हम लोग किसी भी फॉर्मेट में लिख सकते हैं, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी भी लिख सकते हैं, इन ऑर्डर ऑफ परमानेंस भी लिख सकते हैं, लेकिन किसी एक फॉर्म में लिखना चाहिए। अगर नहीं भी लिखते हैं तो हमको हमारे बैलेंस शीट के मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बैलेंस शीट तो मिल जाएगा लेकिन वो एक तरीका के अनुसार ही होना चाहिए, लिखा जाना चाहिए। तो कोशिश करनी चाहिए कि धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस करके हम याद कर लें। तो हम लोग जो यहाँ सोल ट्रेड प्रोप्राइटरशिप बिजनेस का बैलेंस शीट बना रहे हैं वो इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी बनाएंगे। तो ये आइटम है डिफरेंट। अब हम लोग यहाँ क्या क्या लिखेंगे, इसमें नाम लिखा हुआ किसका है, राजा का, तो राजाज लिख सकते हैं, राजाज बैलेंस शीट एज ऑन और एज एट, ये दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, मार्च 31st 2020।
इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं लिखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में लायबिलिटीज लिखते हैं, इसमें अमाउंट लिखेंगे, इसमें रुपीज लिखेंगे, राइट हैंड साइड में एसेट्स लिखेंगे, अमाउंट लिखेंगे और रुपीज लिखेंगे। अब ये क्या आइटम हम लोग लेते हैं, सबसे पहले कैश इन हैंड है तो कैश इन हैंड मोस्ट लिक्विड है, इसको सबसे पहले लिख देंगे। एसेट्स है कैश इन हैंड 4000। नेक्स्ट आइटम हमारा है ड्राइंग, तो ड्राइंग को हम लोग कैपिटल में लिखते हैं तो ड्राइंग को हम लोग लास्ट में लिखेंगे। डेटर्स है इसके बाद जो एक एसेट है, उसके बाद फर्नीचर है एसेट है बाद में लिखेंगे, लोन है एक लायबिलिटी है इसको बाद में लिखेंगे, क्रेडिटर्स लायबिलिटी है, बीआर है इसके बाद, तो हम लोग यहाँ बीआर लिख देंगे। बीआर मतलब बिल रिसीवेबल, जिसे बिल लिखा हुआ है एक निश्चित अवधि के बाद इसे पैसा मिलना है, तो हम लोग इसे यहाँ लिखेंगे बीआर। सॉरी, इसके पहले हमारे पास कैश एट बैंक भी है तो लिखेंगे कैश एट बैंक 6500। इसके बाद हमारा बीआर आएगा, बिल्स रिसीवेबल, शॉर्ट में कहते हैं 8600। इसके बाद हमारा डेटर्स आएगा, लिक्विडिटी के हिसाब से, इन ऑर्डर ऑफ लिक्विडिटी, डेटर्स कितना है 14500। इसके बाद हमारा क्लोजिंग स्टॉक आएगा, एटीन थाउजेंड है, इसके बाद मोटर व्हीकल्स या फर्नीचर दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, इसमें अभी डिसाइड करना ज़्यादा मुश्किल है कि कौन अर्लीस्ट लिक्विड एसेट है, कुछ भी बिक सकता है, पहले फर्नीचर भी बेचेंगे तो बिक सकता है, मोटर व्हीकल भी बेचेंगे तो बिक सकता है, तो फर्नीचर को पहले खैर लिख देते हैं क्योंकि सुविधा रहेगी कि फर्नीचर बाद में, फर्नीचर पहले भेज दें, मोटर व्हीकल से अगर ढोना होगा तो ढो देंगे, तो 10000। इसके बाद मोटर व्हीकल्स भी हमारा एसेट है, ये 20000 कैपिटल है, तो इस लायबिलिटी साइड में आएगा, कैश एट बैंक हमने लिख लिया, नेट प्रॉफिट हमारा कैपिटल के साथ आएगा, मशीनरी है, हमको चेक कर लेना चाहिए क्योंकि हम लोग एक सीरियल में नहीं लिख रहे हैं, कैश इन हैंड ड्रॉइंग हम कैपिटल के साथ लिखेंगे लेकिन लास्ट में लिखेंगे इसको। इसके पहले डेटर है, फर्नीचर है, लोन है इसको भी बाद में लिखेंगे, क्रेडिटर्स है उसको भी बाद में लिखेंगे, बीआर है लिख चुके, बीपी सबसे पहले आएगा लिक्विडिटी के हिसाब से, बिल्स पेबल ये कितना है 7500। इसके बाद हमारा क्रेडिटर्स आएगा, क्रेडिटर्स 17800। इसके बाद हमारा लोन आएगा, लोन हमारे पास है, अब लोन में ये नहीं लिखा हुआ है कि ये लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म है, तो हम लोग इसको शॉर्ट टर्म ही माने। इसके अतिरिक्त तब हमारा आएगा कैपिटल, कैपिटल हम इनर कोलन में लिखते हैं, कितना है 50000। अब इसमें हम नेट प्रॉफिट जो हमारा है ऐड करेंगे, नेट प्रॉफिट कितना है 18300, ये हुआ 68300।
अब इसमें से हम लोग ड्रॉइंग का भी अमाउंट है 700, तो ये माइनस करेंगे। ये कितना आएगा 61,300, हम आउटर कोलन में लिखेंगे 61,300। तो टोटल हमारे आइटम्स हो गए, कैश इन हैंड हम लोगों ने लिख दिया, ड्राइंग हम लोगों ने लिख दिया, लेटर्स हम लोगों ने लिख दिया, फर्नीचर लिख दिया, लोन हम लोगों ने लिख दिया, कैटर्स हम लोगों ने लिख दिया, बीआर हम लोगों ने चेक कर लेना चाहिए, चेक बीआर हम लोगों ने लिख दिया, बीपी हम लोगों ने लिख दिया, क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों ने लिख दिया, मोटर व्हीकल्स हम लोगों ने लिख दिया, कैपिटल हम लोगों ने लिखा, कैश एट बैंक हम लोगों ने लिखा, नेट प्रॉफिट हम लोगों ने लिखा, मशीनरी हम लोगों ने लिखी। अब हम टोटल करेंगे, जो एसेट साइज का टोटल आएगा वो लायबिलिटी का, किसी साइड भी आप टोटल करें तो ये आएगा 1,06,600। टोटल करके आप देख भी लें, 0, 0, 13 और 3 16 हैंड हुआ 1 और 7, 8 और 7 15, 1 16, 6 इन हैंड हुआ 1, 1 2, 2, 3, 1 1 2, 2 4 और 6 10। इसमें देखें 0, 0, 5, 6, 11, 16, 6 इन हैंड हुआ 1, 4, 5, 11, 19 और 23, 31 और 5, 6 इन हैंड हुआ 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 8, 2, 10। ठीक है, तो ये डेबिट और क्रेडिट, सॉरी एसेट्स एंड लायबिलिटीज दोनों साइड इक्वल हुआ, ये सही हुआ। इस तरह हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं। अब एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोगों ने पहले बैलेंस शीट की बात चर्चा करने में नहीं चर्चा की थी, उसका सिर्फ हम लोगों ने जनरल किस्म में चर्चा की थी कि आजकल जो आया हुआ है एक जीएसटी, पिछले 2-3 सालों से ये चल रहा है, जीएसटी का ट्रीटमेंट कैसे हम लोग करते हैं। तो जीएसटी का ट्रीटमेंट हम लोगों ने जब जनरल पास किया था तो दो अकाउंट देखा था, एक इनपुट जीएसटी या इनपुट आईजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी। तो इनपुट होता है वो हमारे लिए एक एसेट होता है, और जो आउटपुट जो होता है उसको हमारा एक लायबिलिटी होता है। तो लास्ट में हम देखते हैं उसको लायबिलिटी के रूप में लिख सकते हैं, उसको एसेट के रूप में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बीच में जब पेमेंट हो जाता है लायबिलिटी का, तो लास्ट जो फिगर बचता है आउटपुट और इनपुट जीएसटी का, तो हम लोग अगर दोनों फिगर में अंतर है तो उसको हम लोग एसेट या लायबिलिटी, इनपुट को हम लोग एसेट साइड में, अगर वो इनपुट हमारा अधिक है आउटपुट कम है का फिगर कम है तो एडजस्ट करके दिखा सकते हैं, या हमारा आउटपुट अधिक है मतलब जितना हमने पेमेंट किया है वो अधिक है तो हम लोग इनपुट जितना हमारा है उसमें से सिर्फ इनपुट लायबिलिटी साइड में दिखा, दैट आउटपुट साइड लायबिलिटी है और इनपुट साइड एसेट है। ठीक है, आउटपुट साइड लायबिलिटी है और इनपुट साइड एसेट है। तो अगर हमारा आउटपुट अधिक है और इनपुट का बैलेंस कम है एडजस्टमेंट में या ट्रायल बैलेंस में भी, तो दोनों को एडजस्ट करके आउटपुट में से इनपुट एडजस्ट करके या इनपुट में से आउटपुट एडजस्ट करके बैलेंस के रूप में एक ही साइड में दिखा सकते हैं। बाद में एक बार हम लोग अलग से उसकी चर्चा कर लेंगे। ठीक है, एक
जब हम लोगों ने चर्चा की थी जीएसटी की, उसमें हम लोगों ने एक थोड़ी सी छोटी सी भूल की थी। वो भूल कहें या उस समय उसको हम लोगों ने इसी तरह समझा था। अब हम लोग इसको एक इनपुट सी जीएसटी है, इसको हम लोग एक एसेट माने और ट्रीटमेंट में कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ये भी एसेट है। उसी तरह इनपुट आईजीएसटी एक एसेट है, इसी तरह आउटपुट सीजीएसटी को हम लोगों ने लायबिलिटी माना था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आउटपुट एसजीएसटी को भी हम लोगों ने लायबिलिटी मांगा था, कोई दिक्कत नहीं है। और आईजीएसटी को भी हम लोगों ने सेल्स आउटपुट आईजीएसटी को हम लोगों ने लायबिलिटी माना था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह जब रिटर्न होता है तो इनपुट को हम लोगों ने क्या लिखा था, ये एसेट, ये भी एक एसेट है, इनपुट सी जी एस टी, इनपुट एस जी एस टी। उसी तरह यहाँ भी आई जी एस टी इनपुट आई जी एस टी एक एसेट है, ठीक है, एसेट में यहाँ डिक्रीज हो रहा है तो इनपुट आई जी एस टी क्रिएट होगा, ठीक है। और सब ट्रीटमेंट कोई अंतर नहीं है, हम ट्रीटमेंट जब करेंगे तो यहाँ उसी तरह आउटपुट लाइबिलिटी लाइबिलिटी, ठीक है, आई जी एस टी लाइबिलिटी है, बिल्कुल सही है। ये कन्फर्मेशन करना ज़रूरी था, हमको बाद में याद आया था, तो इसका चर्चा हम लोग बाद में कर लेंगे। थैंक यू, सी यू अगेन।